गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन अवर नेक्स्ट चैप्टर इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इन अवर प्रीवियस चैप्टर वी आर स्टडीड अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एनिमल्स गेट देअर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स इसमें क्या बोला गया है जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं प्लांट से आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है ठीक है आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स या तो वो डायरेक्ट प्लांट को खा के अपना फूड लेंगे या फिर इनडायरेक्टली उन एनिमल्स को खाएंगे जो प्लांट्स को खाते हैं सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल कुछ एक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं ऑल ऑर्गेनिजम इनक्लूडिंग ह्यूमस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सारे ऑर्गेनिज़म्स ह्यूमन्स को मिला के फूड लेते हैं सबको फूड की ज़रूरत होती है और किसके लिए लेते हैं ग्रोथ रिपेयर एंड फंक्शन ऑफ़ द बॉडी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिपेयरिंग के लिए और उसकी फंक्शनिंग के लिए ठीक है एनिमल न्यूट्रिशन इन्क्लूड्स न्यूट्रेंट रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट एनिमल का जो न्यूट्रिशन होता है ठीक है उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं मोड ऑफ़ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी न्यूट्रिश की डेफिनेशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है क्या होती है मोड ऑफ़ इंटेक ऑफ फूड मतलब फूड को खाने का जो भी साधन होता है तरीका होता है और उसका यूटिलाइज करना ठीक है बॉडी के थ्रू हमारे न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाते हैं सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं हमारे फूड के जैसे फैट्स हो गया कार्बोहाइड्रेट्स हो गए प्रोटीन्स विटामिन्स रफेज एंड मिनरल्स द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटांसेस अब जो हमारे कॉम्प्ले uh, फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटांस कैन नॉट बी यूटिलाइज सच एज इन सब्सटांसिस को हम ऐसे ही नहीं ले सकते हैं सो दे आर ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटांस इसलिए इनको सिंपल सब्सटांस में कन्वर्ट करना जरूरी होता है द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फूड इंटू सिंपलर सब्सटांस इज कॉल्ड डाइजेशन जो फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की तोड़ने की प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड अब हम फूड लेते हैं खाना खाते हैं तो उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी वेर इज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में फूड को लेने का तरीका अलग अलग होता है जैसे बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट बीज होती है मधुमक्खियाँ ठीक है और हमिंग बर्ड जो पक्षी होता है ये क्या करते हैं प्लांट्स में से नेक्टर को यानी कि जूस जो होता है मीठा रस जो प्लांट्स का होता है उसको चूसते हैं सक करते हैं ठीक है ठीके? इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल फीड ऑन मदर्स मिल्क अब देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ह्यूमन्स के और बहुत सारे एनिमल्स के वो कहाँ फीट करते हैं मदर्स के मिल्क पर ठीक है मदर का दूध छोटा बच्चा जो होता है वो माँ का दूध पीता है ठीक है स्नैक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स एंड प्रे अपॉन अब जैसे स्नैक होता है पाइथन अजगर टाइप के जो बहुत बड़े बड़े स्नैक्स होते हैं वो क्या करते हैं एनिमल्स को या फिर जो भी उनका प्रे होता है उनका शिकार होता है उसको ऐसे ही वो खा जाते हैं समेटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम और जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं पानी में जो एनिमल्स रहते हैं वो क्या करते हैं जो भी छोटे छोटे फूड के पार्टिकल पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं उनके आसपास से उनको खाते हैं ठीक है तो जो फूड का मोड होता है वेरियस मोड ऑफ फीडिंग वो अलग अलग होता है जैसे यहाँ पे आपको सम एनिमल्स के कुछ एक नेम दिए जैसे स्नेल हो गया आंट ईगल हमिंग बर्ड लेस मॉस्किटोज बटरफ्लाईज हाउस फ्लाई इनका फूड भी अलग अलग होता है और इनका फीडिंग लेने का तरीका भी अलग अलग होता है ये आपका होमवर्क है आप इसको खुद करोगे स्क्रैपिंग चुइंग शिफोनिंग कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग स्पॉन्जिंग सकिंग एक्सेट्रा ये क्या है हमारे मोड ऑफ फूड ठीक है आपका स्क्रैपिंग हो गया चुइंग हो गया शिफोनिंग हो गया कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग स्पॉन्जिंग सकिंग एक्सेट्रा ये क्या है सारे हमारे मोड ऑफ फीडिंग है ठीक है इन सब के थ्रू ही फीडिंग होती है नेक्स्ट आता है आपका डाइजेशन इन ह्यूमन ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट हम कैसे लेते हैं फूड को अपने माउथ से मुंह से लेते हैं उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं ठीक है द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड हैव यू एवर वंडर वट द फूड इनसाइड द बॉडी अब देखो इसमें बोला गया है कि क्या आपने कभी सोचा है आप जो खाना खाते हो बॉडी के अंदर उसका क्या होता है द फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूस कैनाल विच बिग एट द बकल कैविटी एंड एंड्स द माउथ हमारा फूड देखो एक कैनाल से होके जाता है ठीक है जो कि बकल कैविटी यानी कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे ख़त्म होता है ये देखो आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पे डायग्राम शो किया गया है ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है बक्कल कैविटी यानी कि माउथ से स्टार्ट होता है और एन एस पे ख़त्म होता है ठीक है इसके बीच में बहुत से डाइजेस्टिव ट्रैक में जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं वो आते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे ठीक है तो हमारा माउ फूड कहाँ से स्टार्ट होता है माउथ से वो एक कैनाल के थ्रू जाता है और एन एस पे जाके ख़त्म होता है द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियट्स कम कंपार्टमेंट अभी मैंने आपको बताया था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो फर्स्ट आता है द बकल कैिटी यानी कि जो हमारा माउथ होता है ठीक है इधर पिक्चर में मैं आपको दिखाती हूँ फर्स्ट आता है बक्कल कैिटी ठीक है ये माउथ में होता है उसके बाद आता है हमारा इसोफेगस जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट yeah. आता है स्टमक पेनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एंड एनस इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ ये बहुत लंबा पाथ नहीं है दीज पार्ट्स टूगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री केनाल ये सभी पार्ट्स आपस में मिलके क्या बनाएंगे एलिमेंट्री केनाल द फूड कॉम्पोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टिड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट अब देखो ये जो फूड के कंपोनेंट होते हैं इन सभी पार्ट से होके गुजरता है कौन कौन से पार्ट बताया मैंने अभी बक्ल कैबिटी फूड पाइप और एसोफेगस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस ठीक है ये सब मिलके हमारा क्या बनाते हैं एलिमेंट्री कैनाल अब जो हम फूड माउथ से लेंगे वो इन सारे पार्ट्स में ट्रेवल करेगा इन सारे कंपार्टमेंट्स में जाएगा द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद कैनाल सच ऐ सिलाईवरी ग्लाइन द लीवर एंड द पेनक्रिया अब जो ये हमारा डायजेस्टिव सिस्टम होता है इसमें डाइजेस्टिव पार्ट्स के अलावा बहुत सारी ग्लैंड भी होती है जैसे कौन कौन सी होती है सबसे पहले हमारी वक्ल कैिटी में होती है सिलाइबरी ग्लैंड ठीक है उसके बाद आता है हमारा लीवर एंड पेनक्रियाज ये सारे ग्लैंड्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होती है पेनक्रिया स्क्रेट डाइजेस्टिव जूस एंड द पेनक्रिया स्क्रेट डाइजेस्टिव जूसेज द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट complex substances of the food into simpler ones. ये जो pancreas होता है ये क्या करता है digestive juice उसको secrete करता है और जो complex substance होते हैं उनको simple form में convert करता है The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. अब देखो जो ये हमारा digestive tract होता है ठीक है और इसके substance और glands मतलब जो डाइजेस्टिव ट्रैक के पार्ट्स होते हैं और ग्लैंड्स ये मिलके क्या बनाती है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम नाउ लेट अस नाउ व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो डिफरेंट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है डिफरेंट पार्ट होते हैं जिसमें हमारा फूड जाता है क्या होता है उन उस फूड का ठीक है ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे